मैं आपको बताने वाली हूँ कि रेस्पिरेशन में क्या चीज़ इन्वॉल्व होता है जब आप क्या करते हो, रेस्पिरेशन करते हो। तो रेस्पिरेशन में टोटल आपके 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इस 5 स्टेप्स में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे पहला स्टेप जो आता है उसमें ब्रीथिंग और पुलमोनरी वेंटिलेशन होता है, जिसमें कि एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन हम कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर रिलीज्ड आउट हो जाता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये होता है कि डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस होता है, गैसेस का डिफ्यूजन होता है एल्वियुलर मेम्ब्रेन के अंदर। एल्वियुलर मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है कि उसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं। मेनली 2 गैसेस होती हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दोनों का डिफ्यूजन होता है एल्वियुलर मेम्ब्रेन के पास। अब डिफ्यूजन होने के बाद इन गैसेस को 3rd पॉइंट में ट्रांसपोर्ट करने का काम किया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन गैसेस को, और ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ट्रांसपोर्ट होता है इनमें इन गैसेस को ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं। ब्लड के थ्रू ये गैसेस जो होती हैं ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। अब ट्रांसपोर्ट करने के बाद क्या होता है, डिफ्यूज़न दोबारा से होता है और इन गैसेस का, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, कहाँ पे, अब ब्लड पे होगा। ब्लड और टिश्यूज़ के पास इनका दोबारा से डिफ्यूज़न होना शुरू हो जाएगा। 4th पॉइंट में ये चीज़ होती है जहाँ पे कि ब्लड और टिश्यूज़ में ये दोबारा से डिफ्यूज़न करते हैं। और डिफ्यूज़न करने के बाद इसका लास्ट वाले पॉइंट में क्या होता है कि यूटिलाइजेशन होता है। यूटिलाइजेशन होगा ऑक्सीजन का, यूज़ कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए बॉडी यूज़ कर लेगी ऑक्सीजन को, एंड एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देगी फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। तो ये जो था, ये रेस्पिरेशन इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप्स सारे के सारे कौन कौन से थे हम लोग उनको रिमेम्बर कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है ब्रीथिंग और पुलमोनरी वेंटिलेशन हो जाता है, जिसमें कि एयर इन होता है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड फिल थी उसमें वो रिलीज आउट जाती है। उसके बाद आगे दूसरी पॉइंट में क्या होता है, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस हो जाता है, कहाँ पे, एल्वियुलर मेम्ब्रेन पे। 3rd में क्या होता है कि डिफ्यूज़न ऑफ मेम्ब्रेन होने के बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन थ्रू दी ब्लड, ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने के उसमें इसमें उसका डिफ्यूज़न भी होता है। डिफ्यूज़न ऑफ द गैसेस इन दी ब्लड एंड टिश्यूज़ में डिफ्यूज़न होगा। एंड जो सबसे लास्ट पॉइंट आ जाता है उसमें यूटिलाइजेशन हो जाता है, जो उसमें कि ऑक्सीजन का यूज़ होता है, किसकी यूटिलाइजेशन के लिए, कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए ये यूज़ कर लेते हैं बॉडी ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रिजल्ट सेलुलर रेस्पिरेशन के तौर पे रिलीज आउट हो जाता है। तो ये स्टेप्स थे जो कि बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 पेज नंबर 270 में दिया गया है क्लास 11th के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो और जानकारी के लिए वीडियोस आप मस्ट वॉच कीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।